ओके ओके सिवान्श सिंशांश सी सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पैन ब्लॉक को ऐड करेंगे ठीक है ये जो यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ uh, okay? so, पर जो एक्सटेंशन है इसमें आप क्लिक करोगे ठीक है जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है जैसे प्ले म्यूजिक पैन वीडियो सेंसिंग टेक्स टू स्पीच और भी काफी सारे हैं तो यहाँ पे से आपको पैन को चूज करना है जैसे आप चूज करोगे यहाँ पे आपका पैन ब्लॉक क्या हो जाएगा एड हो जाएगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इवेंट लेना है लाइक uh, like, आप एक इवेंट लेंगे आप फ्लैग क्लिक ले सकते हो या फिर आप कोई की प्रेस वाला इवेंट ले सकते हो कि जैसे आप इस की को प्रेस करोगे इसके अंदर बहुत सारी कीज हैं जैसे आ, अभी हम स्पेस की के साथ ले रहे हैं जैसे हम स्पेस की को प्रेस करेंगे तो हम क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम चलने लगेगा ठीक है बेसिकली हमें एक सॉफ्टी बनानी है अब देखो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे सबसे पहले अब देखो हमें सबसे पहले एक पेन लेनी होगी राइट तो जब आप क्या करते हो कोई भी ड्रॉइंग बनाते हो तो पेन उठाते हो तो हम हम भी क्या करेंगे पेन अप करेंगे देखो जब भी पेन अप होगा तो आपका जो ड्रॉइंग है वो नहीं बनेगा पेन डाउन करने पर ही ड्रॉइंग बनेगा ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमको क्या करना है कि जो हमारा दैट ये पीको है पीको को हम यहाँ पे इसको लेके जाएंगे हमें यहाँ से अपनी आइसक्रीम बनानी शुरू करनी है ओके सो हम मोशन पे जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे ग्लाइड पे और हम इसको ग्लाइड करवाएंगे कितने पे इसको हम जीरो माइनस हंड्रेड हंड्रेड ओके सो व्हेन आई व्हेन आई प्रेस पोजीशन ओके नाउ क्या करेंगे अब क्या करेंगे देखो अब हम पेन का साइज सेट कर लेते हैं ठीक है uh, पेन का साइज हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं सी हेयर पेन साइज ओके दिस चेंज पेन साइज चेंज हम चेंज कर सकते हैं नॉट चेंज वी विल सेट सेट पाइज ओके हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो मार्कर है जो भी पेन है उसकी साइज को पर्टिकुलर सेट कर लेंगे आई एम टेकिंग हियर ओके नाउ सेट साइज सेट कर लिया उसके बाद हम चाहे तो इसमें कलर सेट कर सकते हैं ठीक है सो आई एम टेकिंग आई एम टेकिंग 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 सॉफ्टी का कलर कैसा होता है सॉफ्टी कौन का कलर कैसा होता है ब्राउन ओके सो आई एम टेकिंग हियर ब्राउन कलर ब्राउन कलर दिस वन सो आई एम टेकिंग दिस ब्राउन कलर ओवर हियर ओके ठीक है दे uh, okay. <coughs> okay, uh, okay. इसके बाद क्या करेंगे अब देखो हमें क्या करना है कि अब हमें अपने मीन्स uh, आर्ट uh, uh, को बनाना है अपनी सॉफ्टी को बनाना है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम करेंगे पेन डाउन कर देंगे ओके okay? yes आया सबसे पहले हमने पेन अप करा पेन अप करने के बाद हम उस पोजिशन पे चले गए जहां से हमको अपना ड्रॉइंग बनाना है दिन उसके बाद हमने उसका साइड साइड सेट सेट करा उसके बाद हमने उसका कलर सेट करा फिर हमने पेन को डाउन कर दिया अब जैसे हम क्या करेंगे इस पोजिशन से मूव करेंगे तो हमारी अब बनने लगेगी ओके अब देखो फिर उसके बाद क्या करेंगे अब हम जाएंगे किसी पोजिशन पे पहले कौन बना लेते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं ग्लाइड करते हैं ग्लाइड करते हैं एक काम करते हैं ग्लाइड यहाँ कहीं कर लेते हैं यहाँ बनेगी कहीं कौन कुछ इतना इस टाइप की कौन बनेगी ऐसी बनेगी ना तो ऐसा कर लेते हैं कि माइनस माइनस फोर्टी टू कर लेते हैं और यहां क्योंकि हमें इधर साइड पे जाना है कहीं यहां बीच में लेके जाना है अपने पीको को यहां पर को और इसको कर देते हैं जीरो ओके अब देखो इवेंट क्या है मेरा स्पेस की जैसे मैं स्पेस की को प्रेस करूंगी तो ये अपनी लाइन ड्रॉ करेगा देखना अभी इट इज ड्रॉइंग राइट मैम ओके okay, अब क्या करना है अब ये जो पीको है अब क्या करेगा इसके बाद अब देखो जितना ये इधर साइड आएगा कौन बनाना तो उतना ही ये उधर साइड भी जाएगा मैं एक काम करती हूँ थोड़ा सा इसका साइज और कम कर देती हूँ आई एम टेकिंग दिस एज ठीक है छोटा हो गया अब ये पीको जैसे यहाँ आया है वैसे ही इतना ही यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा ठीक है तो अब क्या करेंगे फिर से हम यहाँ से ग्लाइड करेंगे माइनस uh, फोर्टी की जगह अब क्या करेंगे बताओ जल्दी से प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी टू यस प्लस फोर्टी टू कर देंगे और जीरो कर देंगे चलो इसको भी देख लेते हैं कैसा बना रहे क्योंकि तो बनाएगा तो फिर से वो वहां गया अब क्या करेंगे इसके बाद इसके बाद कौन बनानी है ना फिर से यहीं पे आ जाएगा तो बताओ अब क्या करेंगे ग्लाइड कहाँ से कहा फिर से यहीं लाना होगा ना कौन बनेगा ना इसके बाद हमारा बीच में यहां से X0 फिर सेक्स जीरो माइनस हंड्रेड यस एक्स जीरो एंड y 100 ओके okay. अब देखें एक बार शुरू से बनाएगा वो ऑलवेज ठीक है अब देखो अच्छा लेकिन आप एक चीज देख रहे हो क्या जैसे मैं अब उसका एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये जो कोन है ना ये क्या होनी चाहिए थी जो ड्राइंग बनी है हर बारी में क्या होनी चाहिए थी ये जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है जैसे हम स्पेस की प्रेस करते तो इरेज होनी चाहिए थी होना चाहिए था ना तो हम क्या करेंगे पेन में जाएंगे मतलब जैसे ही हमारा इवेंट स्टार्ट होगा वैसे क्या करेंगे सबको कर देंगे तो अब देखना जैसे मैं स्पेस की प्रेस करूंगी आपकी पहले ये इरेज हो जाएगी फिर दूसरी ड्रॉइंग बनेगी अब देखो अब बनेगी ओके नहीं. ओके इसके बाद क्या होगा हमें बीच में फिल करना है फिर ऊपर क्या करना है कुछ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कोन बनानी है सॉफ्टी बनानी है राइट नहीं. ओके okay. अब इसके बाद ऐसा करते हैं इसके बाद हम कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पे को उसको रन करवा देते हैं यहाँ पे को करवा देते हैं तो ये फिलअप हो जाएगा तो हम यहाँ पे करते हैं यहाँ जाते हैं और यहाँ से हम ग्लाइड कर देते हैं ग्लाइड वन सेकेंड कहा ले आते हैं कहीं पर अः एक्स तो हमारा जीरो और वन के अराउंड हम रख सकते हैं जीरो भी रख सकते हैं वन रख लेते हैं और वाई रख लेते हैं यहाँ पर को देखो ये हंड्रेड यहाँ हंड्रेड तक है और यहाँ गई फिफ्टी के आसपास ये क्या है ब्लैंक है अभी हमने इसे भी फिल करना है तो हम कर लेते हैं माइनस सिक्सटी सेवन कर लेती हूँ ठीक है अराउंड अराउंड देख लेते हैं कितना फिल कर रहा है अच्छा थोड़ा ऊपर आ गया अब हमें ये भी फिल करना है अब मैं इतनी बार तो अपने पीको को घुमाऊंगी नहीं तो एक काम करती हूँ पेन में जाती हूँ और इसके साइज को थोड़ा और क्या कर देती हूँ बड़ा कर देती हूँ ऐसे करके हम साइज बड़ा कर सकते हैं ठीक है थीके? चेंज नहीं सेट लेंगे चेंज और सेट में क्या डिफरेंस है कैन यू टेल मी चेंज पेन साइज और सेट साइज में क्या डिफरेंस होगा देखो चेंज पेन साइज में क्या होगा ना कि आपका जैसे प्रोग्राम रन होगा सपोज अभी आपका पेन का साइज है फाइव तो अगली बारी में आगे उसके बाद आपका पेन का साइज क्या हो जाएगा अगर मैं चेंज बाय फाइव करूंगी तो टेन हो जाएगा अगर मैं सेट करूंगी तो अगर मैंने बोला कि सेट कर दो साइज मेरी पेन का एट अभी भले ही कितना ही हो भले ही वो पच्चीस एट ही सेट कर देगा ओके ओके तो अब हमने कर दिया हमने थोड़ा सा ना वो जो पेन का साइज है वो हमने पेन का साइज थोड़ा और बड़ा कर दिया हमें इसे इसको फिलअप करना है ठीक हो गया अब ऐसा करते हैं आ, पीको को थोड़ा ऊपर को लेके जाते हैं तो हम इसको ग्लाइड करवाएंगे ग्लाइड कहाँ करवाएंगे इसको हम वन सेकेंड में हम इसे ग्लाइड करवाते हैं चलो इसका ऐसा करते हैं वन तो इधर साइड आ गया है इसको फिर माइनस वन में करवा देते हैं माइनस वन एंड यहाँ पे को कहीं होगा ये यह ये कहीं यहाँ पे को है कहीं नीचे डाउन मतलब जीरो से थोड़ा सा नीचे को कहीं खाली है ब्लैंक है तो माइनस फोर्टीन फिफ्टीन में हो जाएगा फोर्टीन कर देती हूँ तो इसको देखो अभी फिलअप कर देगा ये है हो गया कौन तो बन गया ना देखो आपने प्रोग्राम की हेल्प से कौन को बना दिया देखो ऐसा है कि ये जो चीजें होती है ना लॉजिक बनाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आ, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक बार आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा फिर जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है प्रोग्रामिंग क्या होती है ना एक्चुअल में तो वो सीखने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा अभी एक बच्चा हमारे यहाँ पे है वो भी यहाँ पे को कर रहा है तो उसने उसका स्क्रैच उसका पूरा कोर्स क्रिएटिव कंप्यूटिंग का कोर्स उसका हो चुका है अब वो पाइथन सीख रहा है और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम कर रहा है ओके चलो ठीक है इसके आगे हम करते हैं अब देखो, अब देखो मुझे क्या करना है है इस पीको को लेके जाना है मुझे अप्रोक्सीमेटली यहां से यहां पे क्योंकि तो मेरी यहाँ से कोन स्टार्ट होगी ऐसा ही होता है ना कौन टॉप में जो हमारी आइसक्रीम होती है आइसक्रीम क्या करती है कौन के टॉप को थोड़ा ढक देती है ना है ना हर्षित आर यू देयर यस मैम ओके आपको समझ में आ रहा है ना no. आ रहा है ना ठीक yes, है अब देखो हमने अब देखो एक काम करते हैं ठीक है एक काम करते हैं अब हमने पेन अप करा देखो आप यहाँ पे बीच में हो

Uh, कहीं नीचे अभी ये ये कितना था माइनस फोर्टी फाइव था राइट फोर्टी टू सॉरी ये था माइनस फोर्टी टू था तो हम इसे थोड़ा और इसके बाहर से अपने कोण को बनाएंगे तो हम करते हैं यहाँ पर को एक्स को माइनस फिफ्टी सेवन और जो इसका वाई होगा वाई को ऐसा करते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं जैसे यहाँ पर देखो यहाँ तक हमारी कोन है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर से ठीक है थोड़ा ऊपर से ऐसे करके स्टार्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली एट के राउंड होगा वो ठीक है यहाँ पे यहाँ पे हम इसको ब्राइट कर लेते हैं अब देखो हमारी आइसक्रीम अच्छा आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम का चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट तो कोई और कलर बताओ अभी क्योंकि देखो ये चॉकलेट ऑलरेडी ब्राउन है तो या तो हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा कोई और आइसक्रीम वनेला 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 व्हाइट 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 ऐसा करते हैं या ली ले लें पर्पल वाली नहीं पर्पल नहीं ग्रीन आइसक्रीम ले लेते हैं ये कोई ग्रीन वाली ये ले ऑरेंज yes, और, सही है ऑरेंज, है ना ऑरेंज आप ये भी सही है हमने सेट कर दिया देखो हमने पेन अप करा है अभी अप करा है तो अभी कोई ड्रॉण, ड्रॉण नहीं करेगा। अच्छा मुझे ये बताओ ड्रॉइंग करवाने के लिए हमें कौन सा कोड लगाना पड़ेगा कलर हमने कलर चूज कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे पेन डाउन करेंगे पेन डाउन करने के बाद क्या करेंगे पेन डाउन कर देंगे then उसके बाद क्या करेंगे ग्लाइड इज हेयर उसके बाद हम क्या करेंगे इसको ग्लाइड करवाएंगे ग्लाइड करवाएंगे अब देखो यहां पे कहीं आ गया होगा देखो माइनस फिफ्टी सेवन और एट कहां पर बनता है इसको देख लेते हैं पहले ठीक है अब ये भर जाएगा ये यहां से अब यहां से हमारी आइसक्रीम बननी स्टार्ट होगी ठीक है अब करते हैं मोशन यहाँ पे करेंगे हम फिर से ग्लाइड ग्लाइड करेंगे और यहाँ पर को हम अब अब देखो हमें क्या करना है अब हम यहाँ पे हमारा x कितना है माइनस फिफ्टी सेवन और y कितना है एट अब हमें ऊपर की तरफ जाना है तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा तो x को हम क्या करेंगे x को हम बढ़ाएंगे मतलब माइनस फिफ्टी सेवन से हम लेके आएंगे माइनस फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टी माइनस थर्टी ऐसा करते करते एक बार ये यह यहाँ जीरो की तरफ को आ जाएगा और y हमारा बढ़ेगा y मतलब मतलब बढ़ाएंगे कहने का मतलब है x को हम घटाएंगे लेकिन एक सेंस में इसका जो मतलब एक तरीके से हम x को घटा रहे हैं और y को हम बढ़ाएंगे ठीक है अभी माइनस फिफ्टी सेवन में है तो अब हम कितना कर देंगे इसको माइनस फोर्टी सिक्स कर लेते हैं ठीक है और देखो y हमारा ऊपर को आइसक्रीम बनानी है तो यहाँ का ही जाना होगा इसने y को हम कर लेते हैं ट्वेंटी तो टू कर लेते हैं ठीक है ओके ग्लाइड यहाँ कर जाएगा चलो एक दो ग्लाइड्स कर लेते हैं उसके बाद फिर हम उसको बनाएंगे ठीक है फिर से हम ग्लाइड करवा देते हैं ग्लाइड करवाते हैं अब देखो यहाँ माइनस फोर्टी सिक्स है अब दस और कम कर दो माइनस माइनस थर्टी फाइव कर लेते हैं चलो और वाई को बढ़ा दो वाई को कर लेते हैं हम कितना यहाँ पे ट्वेंटी टू है और बढ़ा लेते हैं ट्वेंटी टू चलो उसको सेवेंटी कर देते हैं ठीक है इसको रन करके देखते हैं फिर अगला आप बताओगे इसके बाद क्या करेंगे ओ इतनी आइसक्रीम तो बन गई अब आप लोग बताओ अब कहा को ग्लाइड करवाऊ इसे मैम राइट साइड राइट साइड और मतलब बताओ मुझे ग्लाइड कोई पोजीशन बताओ मुझे एक्स को रिड्यूस करो और वाई को इंक्रीज करो अब दोनों में से कोई दोनों बताओ मैम एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ओके और वाई वन हंड्रेड कर दू वन हंड्रेड करके देख लेते हैं कि चलो एक वन हंड्रेड करके देख लेते हैं कहा रहा देखते हैं ठीक है ओके ओके ठीक है बड़ी बड़ी आइसक्रीम बन रही ना आपकी ठीक है यहां आ गया अब इसके बाद मुझे बताओ अब फिर से ग्लाइड करना है आप लोग करवाओगे चलो अब अब इस, अब कहा ग्लाइड करूं अब देखो मुझे ऐसे लानी है ऐसे लानी है फिर ऐसे लानी है फिर अंदर भर देनी है जल्दी बताओ अब क्या ग्लाइड करूं x कितना करूं अब इसको ना पॉजिटिव में ले जाते हैं ठीक है थीके? अब पॉजिटिव में लेते लेते बढ़ाते रहेंगे अब नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो प्लस का 12 हम बताओ हाँ 12 हां यस मैम प्लस कर दूंगी तो देखो राइट साइड आ जाएगा यहाँ आ जाएगा और वाई को अब घटाना पड़ेगा ना वाई बताओ कितना करूं? टी। टी कर देते हैं चलो एट्टी कर दिया ठीक वन सेकेंड को, को आप जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन करके आपका आइसक्रीम जल्दी जल्दी बनेगी आप ऐसा भी कर सकते हो वेरी गुड अरे बड़ी अच्छी आइसक्रीम बन रही है आप लोगों की चलो ठीक है अब मुझे बताओ क्या अब अब क्या करूं मैम फोर्टी फोर कर दू फोर्टी फोर कर दिया चलो और जहां देखो थर्टी फाइव है तो उसके अराउंड राउंड ले आ सकते हो हाँ जैसे आप नेगेटिव में आए हो ना जैसे आप मतलब घटाते हुए आए हो वैसे आप बढ़ाओगे तो आपका तब ज्यादा अच्छा बनेगा ड्राइंग ठीक है तो हम थर्टी करके देखें yes, देखो माइनस थर्टी फाइव तो ना प्लस का थर्टी फाइव उसके करस्पॉन्डिंग सेवेंटी कर लेते हैं ठीक है सेवेंटी कर लिया अब देखो कैसी बनती है देखो बन रही ना सही सही चलो अब बताओ अब बताओ क्या करूं

अच्छा ड्राइंग बनेगा इससे बिल्कुल सिमिलर भी बनेगा अभी देखो हमने यहाँ पे को 100 पर था तो थोड़ा सा वो आपका टेढ़ा बन रहा है उसी की जगह हमें माइनस ट्वेल्व की जगह क्या करना था अप्रोक्सीमेटली हाँ ठीक है एटी भी कर सकते थे ये देखो ये देखो कुछ बन रहा है है ना चलो अब नेक्स्ट बताओ अब क्या करूं फोर्टी फाइव तक तो हम आ गए चलो हम स्टार्ट कहां से हुए थे हम स्टार्ट हुए थे माइनस से अब क्या करें वहीं चले जाए ये पॉजिटिव में चले जाए इसमें यहीं चले जाए फिफ्टी सेवन और फिफ्टी सेवन एंड एट में चले जाते हैं ठीक है आप सिमिलैरिटी आप ना अगर सिमिलैरिटी रखोगे जैसे जैसे हमने देखो रिड्यूस किया था माइनस फिफ्टी सेवन दस दस कम करो करते जाओ एक वैल्यू पकड़ लो दस दस कम करते जाओ फिर जीरो मत करना इसको इसको से माइनस ट्वेल्व आ गया फिर फिर प्लस में चले जाओ फिर फिर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ दस दस बढ़ाते जाओ आपका तो बहुत अच्छा डायग्राम ड्राग, बनेगा ठीक है अब ये क्या करना है अब हमें क्या करना है ये वाले ये ये फिलअप करने हमें है।, है ना ओके okay, अब 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 क्या करेंगे अब एक काम करते हैं पेन का साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बढ़ा दें ओके हम ऐसा करते हैं सेट पेन साइज बीच में भरना है और हमें जल्दी से भरना है सेट पेन साइज कितना करें फिफ्टी कर दें यस मैम फिफ्टी कर देते हैं अब देखो यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे लेके जाते हैं ये हमारा गया है हंड्रेड तक मतलब फिफ्टी में लेके चले जाते हैं फिफ्टी फोर्टी बीच वाला भरना है हमको ठीक है ग्लाइडेड अच्छा इस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे इस पॉइंट के जहाँ पे मेरा कर्सर है एक्स कोऑर्डिनेट इसके कितने होंगे मैम फिफ्टी एक बात बताऊं आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में ऑलवेज जीरो होते हैं ठीक है yes. कितने होते हैं जीरो so. तो ये जीरो हो जाएगा और इसको हमने ये कुछ ना कुछ होगा वाई लिए तो समथिंग कुछ ना कुछ होगी ही तो उसको मैं भी फोर्टी सेवन लेके चले जाती हूँ ग्लाइड कर दिया मैंने इसको फोर्टी सेवन पर को ठीक है अब इसके बाद ऐसा करते हैं तो करके देखो इसे ओके okay, अब ऐसा कर लेते हैं इसको यहाँ लेके सॉरी थोड़ा सा ही टेढ़ा सा बन गया इसको हटाते हैं अभी इसको ऐसे नहीं करेंगे इसको हमने क्या करना पड़ेगा इसको हमने पैन अप करना पड़ेगा पहले उसके बाद जाएगा ये पैन अप करेंगे फिर इसको ग्लाइड करवाएंगे यहाँ पर वरना इस टाइप का बन जाएगा है ना यहाँ पे ग्लाइड करवा देंगे फिर उसके बाद फिर से इसे ग्लाइड करवाते हैं फिर इसे ग्लाइड करवाते हैं कहां पर को फिर कहा पेन डाउन कर लेते हैं पहले देखो वरना ये खराब बन रहा है ना अप एंड डाउन कर लेंगे yes, This one, okay. फिर हम इसे ग्लाइड करवाएंगे कहाँ पे करवाएंगे अब ग्लाइड देखो जीरो फोर्टी सेवन के अराउंड ये था अब ऐसा करते हैं कि यही इसको फिल करना है हम लोगों को तो एक्स और वाई के कुछ ना कुछ वैल्यू है वहां पर ऐसा तो करते हैं कि एक्स को ले लेते हैं कुछ थर्टी uh, फाइव में कर देते हैं और वाई को कर देते हैं कितना फोर्टी सेवन में तो है ही वो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ये uh, जीरो से ऊपर ही है तो ट्वेंटी फाइव तक ग्लाइड करवा देते हैं अब देखो, देखो। बाहर क्लिक करना है पहले yes, बन रहे ना yes, अब क्या करना है अब इसको यहां से ले आते हैं यहां पर सीधे तो फिर से ग्लाइड करवाओ इसे ग्लाइड देखो 35 25 पे तो है ये यहाँ से सीधे मतलब x को चेंज मत करो x 35 ही रहेगा नहीं सॉरी y 35 ही रहेगा और x को कर दो यहां से ले आओ इसे कहां पर को -46 तक -46 तक ले आओ ठीक है क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया था देखो -46 और ऐसी सीधी लाइन तब खींचेगा जब x हमारा चेंज होगा और y चेंज नहीं होगा ठीक है यस मैम ये बन रही है ना ओके yes, okay, इसको इसका जो माइनस फोर्टी सिक्स है थोड़ा कम कर देते हैं देखो पूरी भर चुकी है वरना वो ऑलरेडी हम बाहर तो लेके आए थे उसे ठीक है अब यहाँ पे को भी थोड़ा भरनी है ये जो पॉइंट है ना ये यह, यहाँ पे को हंड्रेड होता था और यहाँ पे को एक्स माइनस में होगा तो एक काम करते हैं इसको हम ग्लाइड करवाते हैं फिर से ऊपर इसको हम ग्लाइड करवाते हैं कहा पर ये कहीं होगा एक्स तो होगा समथिंग माइनस फोर और y होगा समथिंग एटी ठीक है एटी तो ये यहां पे जो खाली पड़ रहा है इसको भी ग्लाइड इसको भी ये फिलअप कर देगा अच्छा ये फिल नहीं हुआ इसको भी फिल कर लेते हैं फिर से इसे ग्लाइड कर अच्छा यहाँ ये वाला कहाँ गया ओके सॉरी माइनस फोर्टी मैंने वही चेंज कर दिया लाइक वेट हाँ फोर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव दूसरा लेंगे ग्लाइड करवाएंगे और इसे कराएंगे माइनस फोर टू एट्टी अब बन जाएगा ओके सो हर्षितम से वास डिड यू गेट दैट मैम आए समझ में कैसे करना है इसको और अच्छा बना सकते हैं ना हम कोऑर्डिनेट का सही से ध्यान रख के यस yes, मैम है ना uh, तो, अब आप बनाओगे और यहाँ पे एक स्माइली बनानी है एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, पर और एक यहाँ पर को ऐसे करके एक इसकी दो टू आईज टिक और टिक दो टिक बनाने हैं आप बनाओगे अब मैम ठीक है तो आप लोग अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और ये बनाएंगे किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ये इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है किसी को दिक्कत होगी तो मैं इसको सेंड कर दूंगी ठीक है चलो अब आप लोग अपनी स्क्रीन को शेयर करो